बिस्किट भी लो ना। भाई फरजाना, घर तो बड़ा अच्छा मेंटेन हुआ हुआ है। क्या तुमने मुलाजिम चेंज कर लिए? अरे नहीं, मैं मुलाजमों पे कुछ नहीं छोड़ती। नाक में दम किया हुआ था इन लोगों ने मेरे। ये तो अनमोल जब से आई है ना, उसने मेंटेन किया हुआ है। मुझे भी संभाल रही है और इन मुलाजमों को भी देख रही है। शुक्र है सिद्दीकी ने अनमोल को भेज दिया। ये नाती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। अच्छा भाई फरजाना, तुम तो बहुत ही खुश नसीब हो जो तुम्हें इतनी अच्छी भतीजी मिली। वरना आजकल की तो लड़कियां मोबाइल और इंटरनेट में ही लगी रहती है। बस टिकटॉक बनवा लो, चैटिंग करवा लो, सारा दिन बन सवर के वीडियो बनाती रहती है। फरजाना, तुम मानो या ना मानो, आजकल ऐसी सलीके शुआर लड़कियां नहीं मिलती हैं। अब तो मेरी भतीजियों को ही देख लो, किसी काम की नहीं है। पहली बात तो उनको कोई काम करना आता ही नहीं, और अगर करेंगी तो इतने भिड़ंगेपन से करेंगी कि मानो खून जला के रख देंगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि माएं बच्चियों को सिखा क्या रही हैं। कुछ बोल दो तो सबसे पहले माओ को ही बुरा लगता है। ये नहीं सोचती कि कल को ससुराल जाकर क्या करेंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो, तुम अकल से काम लो, सारिन की जिद मान लो। इसमें तुम्हारे दो फायदे हैं। एक तो तुम्हारा बेटा सारी उम्र तुम्हारा एहसान मंद रहेगा कि मेरी माँ ने मेरी खुशी को अपनी ख्वाहिश पे तरजीह दी, और दूसरा तुम्हें सलीके शुआर बहू मिल जाएगी। फैसले पे गौर जरूर करना।